Hey guys, so welcome back to my YouTube channel Shivu Vlogs. My name is Shivam Tiwari, but you guys can call me Shivu. और गाइज अभी मैं आया हूँ मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के दक्ष कैंपस में और यहाँ पर जो है नीट डिवीजन की क्लासेस लगती हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू बैचेस के बारे में एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए. सो अभी मैं आ चुका हूँ और अभी चलते हैं सीधे कैंपस के अंदर और मैं आपको मेहनाज मैम से बात करवाता हूँ, उनसे पूछेंगे कि भाई कौन कौन से न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं मोशन में. तो चलिए सीधे चलते हैं अंदर. हेलो मैम. सो गाइस अभी हमारे साथ हैं मेहनाज मैम. सो हम मेहनाज मैम से जानेंगे कि अभी मोशन में कौन कौन से न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो मैम आप बताएंगी अभी कौन कौन से न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. ऑलरेडी वैसे हमारे 11th और 12th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. रिसेंटली अपकमिंग जो बैच है 11th और 12th की और 13th के लिए 29 मार्च को इंग्लिश मीडियम के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और 5th अप्रैल को हिंदी मीडियम के बैच स्टार्ट हो रहे हैं. एज इट इज़ जेई के लिए हम लोग सेम डेट पे बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. स्पेशली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जो बॉयज़ हैं उनके लिए फीस का क्राइटेरिया थोड़ा स्पेसिफिक है. 75,000 उनका ऑल ईयर फीस रहेगा. और एज अ गर्ल चाइल्ड जो भी स्टूडेंट आता है मे बी वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होता है या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, सेम फीस 75,000 रहता है उनका. इफ अगर आपको स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देखते हैं तो मोस्ट का ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं. फीस पर स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है. सो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें मैम फैकल्टीज कौन कौन सी पढ़ाएंगी. ओके, अभी जो ऑलरेडी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जो अपकमिंग बैचेस है उसमें हमारे सीनियर एचओडीज ही क्लासेस लेंगे. ओके एंड मैम मैं जरा एडमिशन प्रोसेस जानना चाहूँगा, जैसे कि बच्चा यहाँ पर आता है पहली बार यहाँ पर दक्ष कैंपस में, तो एडमिशन प्रोसेस जरा आप बताएंगे कैसा क्या एडमिशन प्रोसेस होगा. ओके, नॉर्मली जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए तो हमारे यहाँ फ्रंट डिपार्टमेंट होता है, वो पेरेंट्स से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो कहाँ से आए हैं, बच्चे का बैकग्राउंड क्या रहा है. देन सीनियर्स काउंसलर्स के पास जाके वो पूरा मतलब प्रोसेस ब्रीफ करते हैं अबाउट बैचेस, अबाउट स्कॉलरशिप, फैकल्टीज के बारे में. देन वो प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, फॉर्म फिल करना होता है, देन बच्चे का फीस डिपॉजिट कराता है. देन उसके बाद बच्चा अकेडमिक्स में जाता है, वहाँ अपना जो प्रोफेशनल नंबर है वो उसमें ऐड करवाता है, उसमें सारी अपडेट्स बच्चे को आती है, बैचेस से रिलेटेड आती है, अगर उसकी डाउट क्लासेस होती है उससे रिलेटेड उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती है. देन उसके बाद बच्चा अपने शीट रूम में जाता है जहाँ अपना पूरा मटेरियल वहाँ जाकर कलेक्ट करता है, बैग हुआ, अपना मॉड्यूल्स हुए, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करता है. देन नेक्स्ट डे से वो अपनी क्लासेस स्टार्ट करता है. ओके मैम, सो फिर उसको यहाँ इस कैंपस में आने के बाद कहीं और जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारा जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह यहीं से पूरा हो जाएगा. Exactly. अगर इफ स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो एडमिशन प्रोसेस यहाँ कराना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है. उसके लिए उसको हेड ऑफिस जाने की नीड नहीं होती है, सारा प्रोसेस यहीं पर ही हो जाता है. मैम मैं ये जानना चाहूंगा इफ अगर बच्चा एक दो दिन के लिए क्लास नहीं आ पाता, उसकी एनी हाउ क्लास मिस वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए बच्चा कैसे क्या उसको कवर करेगा. ओके, उस केस में ये होता है बच्चा तबीयत खराब हो जाती है, किसी केस में क्लासेस मिस कर देता है, तो मोशन लर्निंग ऐप होती है जिसमें बच्चे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. बच्चा 2-3 दिन पीछे हो जाता है, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज छूटे हुए लेक्चर्स को वो डाउट क्लासेस में आके भी कंटिन्यू कर सकता है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सर. सो गाइज ये तो थे मोशन में स्टार्ट होने जा रहे न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन. आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ. आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे. और गाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप उसको फिल करिए और आपकी जो भी बैचेस के रिगार्डिंग या कुछ किसी भी तरह के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे. हमारी एक टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स जो है वहाँ से क्लियर कर देगी. सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता से प्यार करते रहिए. बाय गाइज.